व्यूअर्स, ये ग्रोसरी स्टोर है। देखें कितनी ड्रिंक्स लगी हुई हैं। चिप्स लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज निकले हैं आपके साथ, ज़रा आपको एरिया अपना दिखाते हैं, बाहर घुमाएं फिराएंगे। और यहाँ पे आज ज़रा बच्चों का आउटिंग का भी डे है, उसकी भी रीज़न बताते हैं कि क्यों आज का ही दिन है। ये कैफेटेरिया है हमारे घर के पास ही, और बड़ा प्यारा पार्क बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ रात को लोग बैठते भी हैं, लाइटिंग भी काफ़ी होती है, चाय शाय पीने का इंतज़ाम। ये देखें, ये कैफेटेरिया है। बच्चे भी सारे, आज हम सारे आपसे इकट्ठे बातचीत करेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है मैंने आपसे, दो तीन बातें करनी है, तो ज़रा मेरे साथ रहिएगा। हो सकता है आज का ब्लॉग थोड़ा ज़रा लंबा हो जाए, तो हमारे साथ रहें। अभी बैठते हैं, कहीं पार्क में भी जाके बैठेंगे, आपको दिखाएँगे, बताएँगे, आपसे बातें करेंगे। आज यहाँ 15 जुलाई है, और आज का दिन क्यों स्पेशल है, सारी बातें आपसे डिस्कस करते हैं। तो साथ रहें, हमारा एरिया देखें जी व्यूअर्स। तो ये देखें बच्चों का पार्क, बच्चे घूमने फिरने आए हैं। खेलो। हाँ, आज ना है बच्चों का दिन, यानी कि अभी कोरोना के बाद ना बच्चों के दिन फिक्स हुए हैं कि हफ्ते में एक दिन आप बच्चों को लेके बाहर निकल सकते हैं, और मास्क पहना के एहतियात से वो घूम फिर सकते हैं। ज़्यादा ओपनली डेली बच्चों को बाहर नहीं लेके आ सकते, तो आज वो बच्चों का दिन है, तो इसलिए ज़रा बच्चों को लेके निकले हैं, वो भी थोड़ा घूमे फिरेंगे, आपको भी थोड़ा बाहर का एरिया सारा दिखाएँगे और सैर कराएँगे, और बातचीत भी ज़रा गपशप भी हो जाएगी। ये देखें, ये सारा कैफेटेरिया है, और लोग ऐसे बाहर बैठते हैं, आउटिंग करते हैं, चाय शाय पीते हैं, यही इनकी इन्जॉयमेंट होती है। बड़ी प्यारी चल रही है, मौसम बहुत प्यारा है। धूप आप देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन यह कि फिर भी गर्मी नहीं लगती इतनी धूप में, बहुत मज़े का मौसम है। ये टैक्सी स्टैंड है जहाँ पे ये येलो गाड़ियाँ खड़ी हैं जी व्यूअर्स। तो बच्चे तो झूले ले रहे हैं, ये देखें जी, ये किधर झूले लिए जा रहे हैं? देखो उम्र है झूले लेने की आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो आज का जो दिन है, आपने इसके बारे में भी बताना इनको कि 15 जुलाई जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या डे है, आज छुट्टी भी है यहाँ पे, गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो आएँ ज़रा आगे एक साइड पे बैठ के आपसे बात करते हैं, तो फिर ये आपको बताती हैं कि क्यों आज का दिन इम्पोर्टेंट है। जो हमारे साथ रहें, आएँ ज़रा आगे चलते हैं जी। तो अभी हम चल रहे हैं, आपको आगे दिखाते भी हैं, बैठ के बात भी करेंगे। व्यूअर्स, आपसे दो तीन बातें करनी हैं। एक तो एक बात ये भी है कि मैंने दो तीन वीडियोस में लोगों के कमेंट्स वगैरह देखे हैं कि तुर्की ऐसा है वैसा है, भाई यहाँ दाढ़ी नहीं रख सकते, यहाँ शलवार कमीज़ नहीं पहन सकते। इस पॉइंट पे भी मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है कि इस तरह के कमेंट्स देना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो मैं देख रहा हूँ कमेंट्स तुर्की के बारे में, लोग कहते हैं जी यहाँ पे दाढ़ी नहीं रख सकते, दाढ़ी रखें तो पता नहीं ये लोग क्या के जी, कोई भी सुन्नत पे अमल नहीं करने देते, लाइफ ऐसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है व्यूअर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी ज़िंदगी है तुर्की में, और बहुत अच्छे लोग हैं ये, और किसी चीज़ पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं भी शलवार कमीज़ नहीं पहननी तो पेंट कमीज़ ही पहननी है।
आपका दिल करे तो आप सलवार कमीज पहने, दिल करे तो पैंट कमीज पहने, कोई मसला नहीं है, जैसा दिल करता है। कोई आपको नहीं पूछता, कोई आपको नहीं देखता, इनकी अपनी मस्त लाइफ है। खुद भी इनमें भी लोग दाढ़ियाँ रखते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं रखते, सब रखते हैं, सब तो नहीं, मतलब ये कि रखते हैं बीच में लोग और दूसरों को भी पसंद करते हैं। कोई बात नहीं है, बिल्ली आ गई। तो ये देखें जी, बिल्ली किधर थी, वो यहाँ तुर्की में आपको जगह जगह जो है ना इस तरह के जानवर मिलेंगे, बिल्ली कुत्ते जो है ना जगह जगह बैठे मिलेंगे, फिरते मिलेंगे। ये लोग बहुत जानवरों से प्यार करते हैं, बल्कि स्पेशल उनको जगह जगह छोटे छोटे घर बना के दिए हुए हैं, लकड़ी के डब्बों के, गत्तों के रात को उनको को सर्दी ना लगे, उनके आसपास उनका खाना डाल के जाते हैं, प्रॉपर आते जाते ग्रोसरी स्टोर से उनका खाना परचेज़ करते हैं, उनको डाल के जाते हैं बड़े प्यार से, बल्कि डाल के क्या जाते हैं उनको बड़े प्यार से, जब तक वो खाते नहीं हैं उनको प्यार से खिलाते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स ये देखें, बैठे हुए हैं बच्चे, ये खाने पीने के साथ चिप्स वगैरह लेके आए हैं, ये खा रहे हैं। अच्छा तो आप ज़रा व्यूअर्स से बताओ कि आज जो है वो 15 जुलाई का दिन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और आज क्यों छुट्टी है? आपको अगर पता होगा तो आज से 4 साल पहले तकरीबन यहाँ पे फ़ौज ने जो है ना वो बगावत कर दी थी, तो आवाम ने, यहाँ की आवाम ने जो तैयब रजब उर्दगान के साथ ही, इनके अपने प्रेसिडेंट के साथ ही, उन्होंने इस बगावत को जो है वो नाकाम कर दिया था, क्योंकि वो उन्होंने सेलेक्ट किया था अपने प्रेसिडेंट को खुद, तो वो जो सिलेक्टेड पर्सन होता है वो सिलेक्टेड पर्सन को वो इस तरह नहीं कर सकते थे कि फ़ौज अचानक से आके तो जो है ना जैसे तकाशाही कह रहे कि अपना राज है, गुंडा राज है, जो मर्जी आके गुंडा गद्दी कर ले और वो हुकूमत पे कब्जा कर लेगा। तो इस चीज़ को वो उन लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया आवाम को, पुलिस को, हर चीज़ को, कि उन्होंने मुकम्मल नेशनल हॉलीडे इसको डिक्लेयर कर दिया 15 जुलाई को। 4 साल आज हो गया इस बात को, इसलिए जो है ना आज सारा कुछ बंद है। चिप्स तो खाएँ आप लोग तो खा ही नहीं रहे। खा रहे हैं वो भी खाएँ कोई बात नहीं। अच्छा तो इसमें जो है ना कहते हैं एक पॉइंट ये भी था कि पाकिस्तानी जो है ना फौज, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, वो कैसे वो भी बताते हैं आपको, ज़रा साथ रहें तो और आपको भी इस बारे में भी बताता हूँ डिटेल से। कैट है, क्या कहेगी आपको, ये लो कैट आ रही है, क्या कहेगी, कैट से भी डर रही हूँ। नहीं हाथ नहीं लगाना, बस इतनी ही ना कुछ नहीं कहती, बस हमारे बच्चे जो है ना वो कैट हो डॉग हो बस करीब से गुजर जाए तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब ये अटैक हुआ ना तो बहुत र्यूमर्स फैली कि तैयब उर्दगान जो है ना पता नहीं उसकी डेथ हो गई है, उसको मार दिया गया है, क्या हुआ है रहनी वे, लेकिन उसको जो है ना उसके जो पर्सनल सिक्योरिटी है, जो उसकी सिक्योरिटी में बहुत उसके चंद पर्सनल जो है ना वो मुलाजिम हैं, जो उसके बहुत क्लोज हैं, उन्होंने उसको फौरन ही, जैसे ही अटैक हुआ था ना, फौरन ही तैयब उर्दगान को समझे ऐसे बीच में से उठा के जो है ना वो अपना तो गायब कर लिया था। वो कैसे किया, वो भाई हेलीकॉप्टर था, जैसे भी था, लेकिन यह है कि उन्होंने जो है ना वो फौरन उसको गायब कर लिया था। और वो जो चंद लोग हैं ना उसके सिक्योरिटी के, वो पाकिस्तानी फ़ौज के हैं, क्योंकि उसको किसी पर इतना एतबार नहीं है जितना उसको पाकिस्तानी फ़ौज की सिक्योरिटी पे एतबार है। तो सिर्फ उनकी वजह से जो है ना उसको बचे उसकी बचत हो गई थी। तो इसलिए भी जो है ना इनका पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इतमाद है और पाकिस्तानियों के साथ बहुत प्यार करते हैं। कभी भी आपको कहीं बाहर भी कोई पुलिस वाला भी पकड़ लेगा ना तो वो इतनी रिस्पेक्ट देगा कि आपको आप सिर्फ इतना पूछेगा ना मुमलिकत आपकी, यानी कि किस मुल्क से हो, आप बोलोगे पाकिस्तानों के, जाओ 3-4-5 लोगों को रोकेगा ना कि भाई उनके होता है जगह जगह रोक के कार्ड शार्ड चेक कर रहे होते हैं आप लीगल हो इलीगल हो, तो ऐसी किसी जगह पे आप पकड़े जाते हो, 5-7 लोग रुके हुए हैं, आपको भी साथ रोक लिया, तो वो सबसे पहले पूछते हैं मुमलिकत पूछते जाते हैं कि किस किस मुल्क से हो। जो पाकिस्तानी होंगे ना उनको कहेंगे आप जाओ बगैर कुछ देखे ही, और बाकी अफगानी ईरानी ये वो बाकी सब जो है ना वो उनको चेक करके भेजेंगे। तो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं अभी भी पाकिस्तानियों को, ऐसी बात नहीं है, बहुत इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं। जब आप किसी को बताते हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो ऐसे आपको कहेंगे कि
पाकिस्तान आर्क देश, यानी कि दोस्त हैं हम, दोस्त मुल्क हैं, भाई भाई हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशी होती है। अगर जो हम और भी मुल्कों में रहे हैं, गल्फ में भी रहे हैं, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती कहीं पे जो है ना। आप लोग भी आते जाते होंगे, सब लोग जाते रहते हैं, बल्कि पाकिस्तानी जहाँ पता चल जाए वहाँ तो एयरपोर्ट पे वैसे ही साइड पे कर देते हैं कि भाई बाकी सब ठीक है जाओ, सिर्फ पाकिस्तानी ये चंगी तलाशी दे के जाना। तो इसलिए यहाँ पर ज़रा उसके हिसाब से जब इतनी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है बंदे को, मुल्क वैसे ही बड़ा अच्छा है, वेदर वैसे ही बड़ा अच्छा है। तो हर आप लोगों से ये सारी बातें ना, छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस करता रहूँगा इंशाल्लाह इसी तरह, क्योंकि मकसद ये होता है कि आप लोगों का माइंड क्लियर किया जाए। बहुत से लोग आना चाहते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत, क्योंकि लोग मुख्तलिफ तरह की र्यूमर्स छोड़ते रहते हैं। एक बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो वो अपने पास से इन्फॉर्मेशन दे ही जा रहा है। मैंने वीडियोज़ देखी हैं उसमें वो बता रहा है, एक तरफ उसने रेड कार्ड पकड़ा हुआ है, एक तरफ उसने ब्लू कार्ड पकड़ा हुआ है, कहता है ये रेड कार्ड इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ब्लू कार्ड है सिर्फ, इसी की वैल्यू है, इसी पे काम कर सकते हो। भाई बात आपकी ठीक है कि ब्लू कार्ड की इंपॉर्टेंस है, लेकिन ब्लू कार्ड आपको बगैर रेड कार्ड के तो नहीं मिल सकता ना। पहले तो आपका स्टार तो रेड कार्ड ही है, और ऐसी भी बात नहीं है कि रेड कार्ड पर आप काम नहीं कर सकते। रेड कार्ड पर ही आपको लाइसेंस देते हैं प्रॉपर काम करने का। फिर वो क्यों देते हैं लाइसेंस? वो लाइसेंस देते हैं इसीलिए कि आप काम शुरू करो। जब आप काम शुरू कर लोगे आपको कुछ आना शुरू होगा, फिर आप टैक्स पे करोगे ना। जब आप टैक्स पे करोगे तो फिर आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करोगे। ब्लू कार्ड से पहले तो काफ़ी रिक्वायरमेंट आ जाएगी ना आपकी, आपका काम कैसा है, आपकी इनकम कैसी है, कितनी है, आपके पास एम्प्लॉई कौन कौन से हैं, क्या कोई तुर्की एम्प्लॉई भी हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके फिर आप जाओगे ब्लू कार्ड की तरफ। तो ये तो बड़ा ही पुठा सा जवाब है कि जी रेड कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है और सिर्फ वैल्यू है तो ब्लू कार्ड की। अब ब्लू कार्ड ऊपर से उतरेगा, हर चीज़ आपने स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पे, आपने पहली सीढ़ी से चलते हैं ना कि जैकदम ही आप छलांग मार के आखिरी सीढ़ी पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे मिस गाइडेंस बहुत है। मिस गाइडेंस इसलिए भी है कि मैं ये नहीं कहती कि लोग जानबूझ के आपको मिस गाइड करते हैं कि जी इस तरह हर तरह के लोगों के एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब जो अकेला बंदा आया हुआ है यहाँ पे वो तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा ना, तो जो फैमिली के साथ आए हुए हैं वो आपको फैमिली के एक्सपीरियंस बताएंगे, ठीक है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैं आपको ये बताऊँ कि फैमिली के साथ आना यहाँ पे सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो और दूसरी, आपको फैमिली के साथ अगर आप आते हो तो आपको पीछे भी कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए भी जो है ना वो आपका काफ़ी, मेरा जहाँ तक ओपिनियन, अपना जो एक्सपीरियंस पर्सनल है वो यही है कि आप फैमिली के साथ अगर सोचते हैं मूव होने का तो ज़रूर, क्योंकि इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेल करनी चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तुर्की के हालात भी जो है ना और इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। तो अभी तो खैर कोरोना है, कोरोना गुजरेगा, वो फिर बाद में पता चलेगा सारी दुनिया पर क्या इफेक्ट्स हैं उसके। तो लेकिन मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है। हाँ जी, कोरोना तो अब तकरीबन समझे गुजर गया है, तो बड़ी अच्छी तरह इन लोगों ने कवर किया है, गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तरह सपोर्ट किया है। यानी कि किसी अमेरिका कैनेडा की गवर्नमेंट ने भी इतना नहीं सपोर्ट किया होगा जितना इन लोगों ने सपोर्ट किया है। और बहुत जगह जगह इन्होंने मास्क फ्री में बांटे हैं, ये सब मास्क ये फ्री देते रहे हैं, और ये भी नहीं कि दे दिए एक बार, नहीं, आपका मास्क बस गंदा फेंकें अब नया ले लें, जगह जगह बाजारियों में, सड़कों पे, ऑफिस के बाहर, हर जगह। तो ये बड़ी बात होती है, यानी कि पाकिस्तान में तो आप कहें कि चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाती है तो वो ब्लैक करने लग देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट, हर तरह से बहुत अच्छी, हर तरह से सपोर्ट किया है इन्होंने, अल्लाह बेहतर करेगा। चलें तो बाकी बात हो रही थी, तो बहुत से लोग जो है ना इस्तांबुल में, एक्चुअली हमारा जो तबका है वो ज़्यादातर इलीगल डंकी लगा के आए हुए लोग हैं, उनको खुद ना उनके पास कोई रेड कार्ड है, ना ब्लू कार्ड है, ना कोई कार्ड है, तो इन्फॉर्मेशन है नहीं प्रॉपर। लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी लाजमी है, ठीक है ना, वो पता है कि नहीं है, बस आप लोगों को लाजमी बताना। कोई लोगों को कह रहे हैं कि जी भाई ना तुर्की, ना तुर्की ये है, तुर्की वो है, यहाँ सुन्नत पे नहीं अमल होता, पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मॉडर्न है, यूरोप का माहौल है, लेकिन माशाल्लाह मस्जिदें हैं, बहुत अच्छा हम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए इस्लामी लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है ना। ठीक है, अजान से रोज़ा खोलते हैं, अजान से सहरी करते हैं, बाकायदा दुरूद पाक पढ़ा जाता है मस्जिदों में, ऊंची स्पीकर्स में दुरूद पाक पढ़े जाते हैं, और 5 टाइम अजानों की आवाज़ आती है। तो रमज़ान में जितनी ये लोग खुले अफ्तारियाँ कराते हैं जगह जगह, ढेरों ढेर कुर्सियाँ टेबलें लगा के, तो पाकिस्तान में कहाँ ये चीज़ें, कोई भी नहीं है। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। चलें ये देखें आप लोग ज़रा, चलें ये क्या है,
ये है साइकिल स्टैंड, ठीक है, यानी कि ये मशीनें लगी हुई हैं और ये साइकिलें लगी हुई हैं। ये कार्ड बनेगा आपका 6 लीरे का, वो कार्ड से आप ये इधर कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड की तरह कार्ड होता है, मशीन पे स्वैप करके तो आप ये साइकिल निकाल सकते हैं। उसके बाद आप ये साइकिल चलाएं, ये लॉक है, ये अभी निकलेगी नहीं जब तक ये इसमें कार्ड नहीं हम डालेंगे। ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये देखें, ये इसका कंप्यूटर लगा हुआ है, तो जो है ना ये देखें, ये साइकिलें लगी हुई हैं 3, बाकी आगे से उधर से 3 साइकिलें निकली हुई हैं। और उसके बाद ले जाएं, चलाएं, घूमें फिरें, और जब दिल करे आपका, और जिस स्टैंड पे दिल करे वापस लगा दें। ये भी नहीं लाजमी कि आपने जहाँ से लिए वहीं लगानी, मतलब ये जगह जगह लगे होते हैं, थोड़े थोड़े फासले पे ये स्टैंड लगे होते हैं, और ये आप बाद में जिधर मर्ज़ी लगा लें, जहाँ छोड़ेंगे वहाँ के हिसाब से कार्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो पर आवर के हिसाब से आपके पैसे ऑटोमेटिकली काट लेंगे। तो चलें आए आगे चलते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह की जो है ना वो बड़ी बड़ी बसें चलती हैं, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी लग्जरी और फुल एसी बसें होती हैं, और जो है ना सफ़र का, लोकल सफ़र का मज़ा आ जाता। सीटें इसमें कम होती हैं लेकिन खड़े होके भी बंदा इजीली सफ़र करता है। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे ना मोटरसाइकिलें हर तरह की चलती हैं। ये देखें, ये छोटी सी स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बहुत यूज़ होती हैं, छोटी छोटी स्कूटर हैं, पेट्रोल वाली बड़ी बाइक्स, हैवी बाइक्स, हर तरह की बाइक्स, बड़ी अच्छी माशाल्लाह से रोड्स हैं, साफ़ सुथरी, ट्रैफिक बड़ी स्मूथ है, तो मज़ा आता है बाइक चलाने का भी मज़ा आता है। जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आप, घूम रहे हैं हमारे साथ, इंजॉय भी कर रहे होंगे उम्मीद है। इसी तरह आपको छोटी छोटी जगह दिखाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों का बताएंगे आपको, करते करते जो है इंशाल्लाह तुर्की की एक एक चीज़, एक एक गली का इंशाल्लाह बता देंगे आप, और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए बहुत सी आसानियाँ हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, इसी तरह मैंने आपसे एक वीडियो में बात की थी कि पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ का, तो चलें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखें, ये है पोस्ट ऑफिस, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है, ये छोटा सा हमारे एरिया का पोस्ट ऑफिस है, लेकिन मतलब बड़ा भी ऐसे ही होता है, लिखा हुआ है PTT लिखा हुआ है, इसको कहते हैं पेटेटे। तो ये यहाँ पे होता है डाकखाना तुर्की का। तो मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो आपको ये भी दिखाता जाऊँ, क्योंकि लोग आके जब कार्ड बनवाते हैं तो वो उनको पोस्ट ऑफिस से मिलता है, तो पोस्ट ऑफिस के बोर्ड को आपने एक नज़र देखा हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये है पोस्ट ऑफिस का बोर्ड और ये है पोस्ट ऑफिस। ये देखें मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, ये देखें व्यूअर्स, ये है पोस्ट ऑफिस, छोटा एरिया का अपना ये है, फिर जो बड़ा होता है वो बड़ी बिल्डिंग्स हैं पोस्ट ऑफिस की। इसी तरह आगे चलते हैं व्यूअर्स, आ जाएं। जी व्यूअर्स, तो हम बेसिकली ये रोड जो है ये सीधा आप देख रहे हैं, ये हमारा रोड सीधा जा रहा है समुंदर पे, और समुंदर तक तो अभी नहीं जाएंगे, शायद वो है कोई 1.5-2 किलोमीटर, लेकिन उससे पहले एक पार्क है, वो आपको पार्क दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहें। ये देखें यहाँ पर ये सारी मार्केट्स चल रही हैं, साथ साथ स्टोर चल रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये सारा रहायशी एरिया है और शॉप्स सारी चल रही हैं, आज छुट्टी है इसलिए मोस्टली शॉप्स बंद हैं। ये देखें ये फार्मेसी है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स, ये देखें फार्मेसी को क्या कहते हैं, एजज़ाने, इनकी ज़ुबान में एजज़ाने है, तो ये फार्मेसी है और एजज़ाने इसको बोलते हैं। और छुट्टी वाले दिन बंद होती है फार्मेसी, लेकिन फिर भी जब फार्मेसी बंद होनी होती है तो उससे पहले, छुट्टियों से पहले, कोई भी हफ्ते इतवार की भी छुट्टी हो, ये शेड्यूल आ जाता है कि जी ये इस एरिए में ये फार्मेसी खुली होगी इस छुट्टी वाले दिन भी। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा फार्मेसी का इसी तरह शेड्यूल हर फार्मेसी पे लगा होता है, हर एरिए में कोई ना कोई फार्मेसी लाजमी जो है वो खुली होती है,
छुट्टी हो, ईद की छुट्टियां हो, तीन चार छुट्टियां हो, फिर भी लाजमी जो है ना कोई फार्मेसी, वो पूरा शेड्यूल हर फार्मेसी पे लगा होगा, पेपर्स लगे होंगे, एक दो प्रिंट हो गए कि भाई आज के दिन एक दिन ये फार्मेसी खुली होगी, अगले दिन ये वाली, उससे अगले दिन ये वाली, इसी तरह ये शेड्यूल जो है वो लाजमी लगा होता है। अब इसी तरह ये मेरे पीछे व्यूअर्स डेंटल हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा, ये भी हमारे घर के बिल्कुल करीब है, बल्कि हमने इनकी सर्विस भी देखी है, माशाल्लाह अच्छी है बहुत, हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिकली है। जब आप यहाँ आके अपना रेजिडेंस बनवा लेते हैं तो फिर आपके इकामत नंबर जो आपका किमलिक नंबर आपको मिलता है, आपके ऊपर उस नंबर पे हर चीज़ प्रॉपर सिस्टमेटिकली हो जाती है। आपने कहीं पे भी जाना है, आपका वो नंबर उन्होंने मांगना है, उसके अंदर आपका सारा मेडिकल का भी डाटा आ जाता है। आप हॉस्पिटल जाएंगे, कोई मेडिसिन लेंगे, वो भी आपको ऐसे नहीं कि आपने फार्मेसी पे जाके, आपको कोई पेपर मिला तो आपने फार्मेसी पे जाके देना है, कुछ भी नहीं, आपके कार्ड के नंबर पे, आपके किमली के नंबर के ऊपर डाटा एंटर हो जाना है कि इसको ये मेडिसिन चाहिए। ये देखें व्यूअर्स, हम चलते चलते, अच्छा चलते चलते तो हम पहुँच गए हैं। ये देखें इधर बैठी क्या कर रही, सो रही थी, चलो कोई बात नहीं, सो जाओ आप। तो ये देखें व्यूअर्स, हम चलते चलते जो है बच्चों को लेके ये पार्क पहुँच गए हैं, माशाल्लाह बड़ा प्यारा पार्क है ये, बिल्कुल जो है ना आप देखें, ये रहायशी एरिया है, सारी बिल्डिंग्स हैं और करीब ही पार्क बना हुआ है। आए आपको दिखाते हैं यहाँ से, ये देखें लोग जो है ना वो फुल बारबेक्यू कर रहे हैं, गर्मियों में तो ये लोग बस बाहर ही बैठे रहते हैं। ये देखें जी सारे बारबेक्यू कर रहे हैं, धुएँ आप देख रहे होंगे, खुशबुएँ मुझे भी बहुत प्यारी आ रही हैं। ये देखें कितनी प्यारी साथ साथ दीवार बनी हुई है और साथ वो अंदर लोग सारे बैठे बारबेक्यू कर रहे हैं। इधर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, दुनिया काफ़ी निकली हुई है आज बाहर, एंजॉय कर रहे हैं लोग, गर्मियों में तो ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं, सर्दियों में ज़रा अंदर रहते हैं, घरों में सर्दी ज़्यादा होती है तो बाहर कम निकलते हैं, लेकिन गर्मियों में जो है ना बहुत एंजॉय करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी जो है ना वो नॉर्मल आ गई है, तो इसलिए जो है ना वो देखें सब लोग जो है ना बारबेक्यू कर रहे हैं। काफ़ी ज़िंदगी जो है ना वो रूटीन में आ गई है अब, और आना जाना बाहर, खाना पीना सारा कुछ, बस मास्क की एहतियात लाजमी करनी पड़ती है और बाकी आप सब कुछ कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लाइफ काफ़ी नॉर्मल होती जा रही है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी फ़्लाइट्स भी खुल जाएंगी, बहुत सारे दोस्त आने का वेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, वो फ़्लाइट्स का वेट कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स ओपन हों, लोगों के वीज़े लगे हुए हैं, तो फिर जो है ना ये देखें आप सारे लोग, इतने प्यारे दरख्त लगे हुए हैं, कितना प्यारा जंगल सा बना हुआ है, और जो है ना वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं। ये देखें चलने की जगह, पाथ फुटपाथ कितने प्यारे बने हुए हैं, और घास ग्रीनरी हर चीज़ जी व्यूअर्स। ये देखें बच्चे माशाल्लाह बड़े खुश हैं, खेल रहे हैं, उनके झूले काफ़ी अच्छे बड़े लगे हुए हैं, टेबल वगैरह रखी होती हैं इन्होंने, उसके बारबेक्यू के लिए टेबल्स रखी होती हैं, आप आओ और आके बारबेक्यू करो, टेबल पे सारा दस्तरखान बिछा के बड़े तमाम से इधर जो है ना बंदा खाना खा सकता है पार्क में बैठ के। देख रहे हैं सब व्यूअर्स, और वो देखें लोग टेबल्स पे बैठ के अपना बारबेक्यू, साथ टेबल भी लगाए होते हैं, टेबल चेयर होते हैं, साथ में बारबेक्यू के लिए अंगीठियाँ पड़ी होती हैं, यानी कि आपने अपनी अंगीठियाँ नहीं लेके आनी, आपने सिर्फ अपने कोयले लेके आने हैं, पहाने हैं और बारबेक्यू शुरू कर देना। बहुत ज़बरदस्त जगह है ये देखें व्यूअर्स, आप भी जंगल की सैर करें, मज़ा आ रहा है, मैंने कहा आपको अच्छी तरह आज सारी सैर कराएं बाहर की, काफ़ी दिनों से जो सारे व्लॉग्स बन रहे थे वो घर के अंदर बन रहे थे, ये ना वो व्यूअर्स समझते रहें कि बस ये हमें लेक्चर ही देते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो कुछ बातें थी ज़रूरी जो लोग पूछ रहे थे, इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी, हमने कहा चलो सबसे पहले वो शेयर कर लेते हैं। ये पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं जो है ना, वॉशरूम है पार्क के अंदर, और आगे भी बच्चों के झूले हैं और एरिया है,
ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, ये चलने की जगह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। इसमें आप साइकिलिंग भी चला सकते हैं, साइकिल चलाएं, पैदल चलें, और ये देखें किस तरह ऊपर नीचे पहाड़ी एरिया, ज़बरदस्त पार्क वगैरह। आए अभी आपको आगे दिखाते हैं, ये देखें बच्चे यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं। ये देखें बच्चे खेल रहे हैं और देखें। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट जगह है, मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। आप देखें, ये बेसिकली एक्सरसाइज़ की मशीनें लगी हुई हैं, मैनुअल जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है लेकिन मैनुअल मशीनें बहुत सी लगी हुई हैं यहाँ पे। आप सुबह सुबह आएँ, जिस टाइम मर्ज़ी आएँ दिन में, आप यहाँ पर आराम से एक्सरसाइज करें, डेली आएँ, रूटीन से आएँ, कोई इशू नहीं है। लोग आते हैं, हर तरह की मशीन लगी हुई है। ये देखें, ये दो बंदों के लिए वो उधर मशीन है, फिर ये देखें मशीन है, ये देखें, तो एक भी नहीं है, कोई आठ आठ दस दस मशीनें लगी हुई हैं जी। व्यूअर्स, तो देख रहे हैं आप, एक्सरसाइज मशीनें भी आपको दिखाई। हमें तो ये जगह बड़ी पसंद है, माशाल्लाह दरहत ग्रीनरी इतनी है, सब्ज़ा इतना है कि सहद गर्मी में भी यहाँ पे दरख्तों के नीचे आके बंदा बैठ जाए ना, तो हवा ठंडी बड़े मज़े की लगती है। ये आपको दिखाऊँ, ये इस तरह से, ये तो कोई पुराने से पड़े हुए हैं लेकिन इस तरह से इन्होंने ना घर बनाए होते हैं। ये बिल्ली को कहते हैं कैदी, ये भी बिल्ली का घर बनाया हुआ है इन्होंने जी। तो व्यूअर्स प्लीज़ बताइएगा लाजमी कि वीडियोज़ कैसी लगी हैं और जगह कैसी लगी आपको, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सब कर दें। सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये देखें व्यूअर्स, ये शावर चल रहे हैं। चलो ज़्यादा ज़्यादा गीला ना करो, आ जाओ। तो आएँ आपको आगे पार्क में से समुंदर नज़र आता है, उसका भी व्यू कराते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये सारा समुंदर है, इस साइड पर आबादी है, और वो देखिए वो समुंदर के साथ साथ सारा जो है हमारा सिटी आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू होता है, इस साइड से जो है ना वो सूरज पड़ रहा है इसलिए इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, लेकिन चलें आपको पूरा सही तरह व्यू भी कराएंगे किसी टाइम समुंदर का। ये व्यूज़ पार्क माशाल्लाह बहुत अच्छा और बड़ा पार्क है। ये देखें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम, और पार्किंग इसकी बहुत जगह पर है। उधर भी आपको दिखाई थी सारी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, इधर भी देखें मेरे पीछे ये सारी पार्किंग है। इस तरफ भी मेन एंट्रेंस है, ये हमारे इधर इस साइड पे भी मेन एंट्रेंस है। तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, जगह जगह इन्होंने बारबेक्यू के लिए टेबल्स कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, चूल्हे लगाए हुए हैं। ये देखें व्यूअर्स, लोग जो हैं अपना बारबेक्यू, जगह जगह इधर हट्स बने हुए हैं। बस आज आप समझें कि हम आपको सिर्फ सैर ही करा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। आज आपके लिए फुल वॉक के मूड में निकले हैं, तो चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सैर करवाई जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है, बस कोरोना की वजह से सारा कुछ ही बंद हुआ हुआ था, लोगों का पार्कों में जाना, बाहर आना जाना सारा कुछ बंद था, लेकिन ये माशाल्लाह देखें पहाड़, बहुत ज़बरदस्त जगह है। अब हम चढ़ाई चढ़े हैं, ये देखें उधर उस साइड पे भी हट्स बने हुए हैं, देखें सब्जा ग्रीनरी दरख्त, दूर दूर तक बहुत बड़ा पार्क है ये। व्यूअर्स बताना लाजमी कैसा लगा है व्लॉग, पार्क पसंद आया, जगह पसंद आई, ग्रीनरी तो मैं कहता हूँ कि बस ख़त्म है यहाँ पे, बहुत ग्रीनरी है। वो देखे सामने आप लोग पानी से हाथ धोए,
तो ये देखें इधर भी लोगों का रश लगा हुआ, बहुत दुनिया जो है ना वो बाहर निकलना शुरू हो गई है। चल चल के सांस चढ़ गया भाई, ये देखें सांस चढ़ा हुआ है, चल चल के सांस चढ़ गया है हमें, हम चलते जा रहे हैं बस। नहीं हाइकिंग की है हमने, पहाड़ी तो कोई नहीं चढ़े, अभी थोड़ा सा ही चले हैं तो हाइकिंग हो गई हमारी। और व्यूअर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, और वो ये है कि मैंने आप लोगों को कहना था कि कोई भी हमारे सब मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई भी फैमिली, कोई बंदा तुर्की आए या चनाकले ना भी आना हो तो वो चनाकले लाजमी आए, सैर भी करे और मुझसे मिले लाजमी, मेरे पास रहे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मेहमान मेरे पास आते हैं ना पाकिस्तान से या कहीं से भी, बल्कि मैं तो हर ट्रैवलर्स को ऑफ़र करता हूँ कि आप लोग आएँ, कोई रहने का मसला है मेरे पास रहें, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है घर अच्छा बड़ा है, और यानी कि ज़रूर मुलाकात करें, मौका दें खिदमत का, और आप लोगों के साथ जितना कोऑपरेट हो सकेगा करेंगे इंशाल्लाह। कोई जगह आप लोगों को घुमा फिरा सकेंगे, थोड़ा एरिया दिखाएंगे, तो सबको मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ कि सब लोग जो भी आना चाहते हैं वो आएँ। अगर इस्तांबुल भी आते हैं तो लाजमी तो हमारे चनाकले भी चक्कर लगाएं, अगर चनाकले नहीं भी आना तो भी मुझे लाजमी कांटेक्ट करें इस्तांबुल आके, हो सकता है मैं आप लोगों से मिलने इस्तांबुल आ जाऊं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी मेरे सब्सक्राइबर्स में से जब लोग आएंगे तुर्की। तो व्यूअर्स अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, अभी बच्चे मस्ती मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ रहें, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे क्या मांग रहे हैं। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इंजॉय करें। ये देखें तुर्की का झंडा लगा हुआ कितना बड़ा, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं फ्लैग की। तो आए मेरे साथ, अभी चलते हैं आपको बताते हैं कि बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं। व्यूअर्स आप लोगों से एक और बात शेयर करूँ कि आपको बताएँगे इंशाल्लाह कि तुर्किश लोग खाते क्या हैं। बहुत से हमारे जो है ना सब्सक्राइबर्स जो बहुत व्यूअर्स जो है ना पूछ रहे हैं कि भाई हमें पता चले कि तुर्किश लोग क्या खाते हैं, कैसा खाना है इनका, खुराक कैसी है। तो आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक वीडियो में ये शेयर करूँगा, प्रॉपर तुर्किश खाना बना के हम घर में वो सर्व करेंगे, तुर्किश खाना खाएँगे, आपसे शेयर भी करेंगे, फिर उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इसी तरह वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें, तो आपसे बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत कुछ शेयर करने वाला है, तो बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करके, आपको बता के हमें भी खुशी होती है। इसी तरह कुछ लोग इन्जॉयमेंट के लिए देख लेते हैं, कुछ लोगों का बीच में से फ़ायदा हो जाता है, कोई बात उनको पता चल जाती है। व्यूअर्स ये देखें, ये मेरे पीछे कैफेटेरिया है, बंद हुआ हुआ है अभी तो है ना, ये भी फॉर सेल है, रेंट के लिए लगा हुआ है, लिखा हुआ है बीच में, किचन भी अवेलेबल है। तो इस तरह के बिज़नेस जो है ना वो चलते चलाते भी मिल जाते हैं, कि बड़ी अच्छी मेन चलती रोड पे कैफेटेरिया है, मतलब जो इसका इसके सामान का पैसा है वो इसको देंगे, जो इसने सामान डाला हुआ है, जो फर्नीचर रखा हुआ है, और उसके बाद ये हम मंथली रेंट हम दिए और इसको चलाएँ आगे। तो ये काम भी बड़ा अच्छा है कैफेटेरिया का। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा मज़ीद डिटेल के कौन कौन से बिज़नेस बेहतर हैं, कौन कौन से बिज़नेस यहाँ पर हो सकते हैं, कितने में हो सकते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियोस मेरी डिटेल के साथ आपको आती रहेंगी। व्यूअर्स ये ग्रोसरी स्टोर है, कितनी ड्रिंक्स लगी हुई हैं। चिप्स लगे हुए हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, सब कुछ देखें कितना ज़्यादा लगा हुआ। दोनों ही जो ये
ये देखें व्यूअर्स, बच्चे आइसक्रीम ले रहे हैं। ये कह रहे थे आइसक्रीम लेनी है और आइसक्रीम ले रहे हैं। कौन कौन सी ले रहे हो? आपके लिए कौन सी लेनी? वही जो भी अपने लिए लो। ये कॉर्नेटो है, कॉर्नेटो कॉर्नेटो आइसक्रीम है। ये भी देखें व्यूअर्स, हर तरह की चीज़ लगी हुई है। व्यूअर्स, बच्चे भी माशाल्लाह खुश हो गए, सारे घूम फिर आए, खा पी लिया और आपकी भी सबकी सैर हो गई। तो बताइएगा कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें वीडियोस को और इसी तरह व्यूअर्स देखते रहें चैनल को। दुआओं में याद रखें। इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपको मैं अच्छी अच्छी जगहों के साथ दिखाऊंगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।